हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। अगर आपका हमेशा से ड्रीम था कि आप बाहर जाके पीएचडी कंटिन्यू करें और उसी के साथ साथ इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूट में पीएचडी करें, तो आपके लिए एक बहुत स्पेशल नोटिफिकेशन आया है। ये है आईआईटी बॉम्बे, दैट इज इन इंडिया, बॉम्बे में है आईआईटी, और उसी के साथ साथ मोनाश यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक रिसर्च पार्टनरशिप है इनकी, जिसमें आप पीएचडी करते हो, कुछ टाइम आपको आईआईटी बॉम्बे में रहना होता है और कुछ टाइम आपको ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी में रहना होता है। दोनों ही टाइम पे आपको स्टाइफंड दिया जाता है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले जो अप्लाई का लास्ट डेट है ना, वो 4 सितंबर है। लेकिन अब घबराइए मत, अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो अभी आपको करना है वो ये है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एडमिशन प्रोसेस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेज इन दिस कैंडिडेट्स विल इन एन ईओआई फॉर्म ऑनलाइन। आपको एक फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। प्रेस क्लिक ऑन द ईओआई फॉर्म टू अनेबल अस एडिक्वेटली इवेल्युएट योर बैकग्राउंड, एकेडमिक रिकॉर्ड, रिसर्च इंटरेस्ट। तो इसमें आपको सिर्फ अपने बारे में भरना है, बैकग्राउंड, रिसर्च इंटरेस्ट, ये सब आपको सिर्फ फिल करना है। इफ योर ईओआई फॉर्म इज फाउंड टू बी सुटेबल, यू विल रिसीव एन ईमेल इंडिकेटिंग यू आर एबल टू प्रोसीड टू स्टेप टू ऑफ द एप्लीकेशन स्टेज। अगर ऐसा लगा कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल सही है, उनको पसंद आए, तब आपको फिर स्टेप टू में जाने को बोला जाएगा। तब आपको बोला जाएगा कि आप स्टेप टू फिल कीजिए। इफ यू योर ई ओ आई फॉर्म इज फाउंड टू बी सुटेबल, यू विल नीड टू डाउनलोड एंड कंप्लीट द फुल फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म में। यानी कि अगर वहां से आपको वापस से मेल आया तभी आपको फॉर्म में भरना है, अगर नहीं आया तो फिर छोड़ दीजिए। कैंडिडेट्स हु आर सक्सेसफुल इन दिस ईओआई स्टेज विल बी इनवाइटेड टू गो स्टेप टू वंस द ईओआई स्टेज इज कंप्लीटेड। कंटेन्ड इन दिस इनविटेशन ईमेल विल बी अ यूनिक एफएएन नंबर। दिस ईमेल विल बी सेंट ओनली आफ्टर ईओआई स्टेज इज कंप्लीटेड। अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर आपको, चलो अब हमने मान लिया कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, सूटेबल है, तो क्या होगा, यू नीड द एफएएन नंबर टू अपलोड योर फॉर्म ए ऑनलाइन। एट दिस स्टेज यू विल नीड टू कंप्लीट योर ट्रांसक्रिप्ट, पब्लिकेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एंड मेक योर प्रोजेक्ट सिलेक्शन टू। फॉर लॉगिंग इन टू फॉर्म ए साइट यूज योर एफएएन नंबर, डू नॉट गिव दिस एफएएन टू एनीवन एल्स, इट इज योर यूज ओनली। मोर ओवर यू कैन यूज एफएएन ओनली वंस। एट दिस साइट यू विल नीड टू अपलोड योर फॉर्म ए एज वेल एज कॉपीज ऑफ योर अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, पब्लिकेशन गेट्स, कोर्स शीट एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। रिमेंबर अगेन दैट यू विल ओनली हैव वन अपॉर्चुनिटी टू यूज एफएएन टू लॉग इन। तो सब कुछ भाई तैयार करके रखना, सिर्फ एक ही बार मिलेगा एफएएन लॉग इन करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें रिसर्चर्स देखें तो रिसर्चर्स इतनी सारी हैं, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और भी देख लेंगे। फिर आपके क्या होगा, अगर आपका फॉर्म है सुटेबल लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपका सब सक्सेसफुल रहा तो आपको बता दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने कॉन्टैक्ट करने के लिए भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। उसके बाद अगर हम देखें, डाउनलोड फॉर्म में अभी हमें करना नहीं है, अपलोड भी अभी हमें करना नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा भी नहीं अपलोड करने के लिए, क्योंकि लिए अभी तक हम कुछ सेलेक्ट भी नहीं हुए, ना ही इन्होंने कुछ डेट्स दी है। अब हम प्रोग्राम आउटलाइन पे जाए तो प्रोग्राम आउटलाइन क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट जो है दोनों के यहाँ पर प्रोग्राम में है, पीएचडी प्रोग्राम में, पीएचडी प्रोग्राम में 3.5 ईयर्स फुल टाइम लगेंगे। स्टूडेंट्स विल स्पेंड अ मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स बट नॉर्मली 6 to 12 मंथ्स इन पीएचडी फॉर इन एट मोनाश यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। तो मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में आप लगभग 3 से लेकर 12 महीने तक, जिस भी हिसाब से टाइम होगा, जिस भी हिसाब से आपको जरूरत होगी, उस टाइम से आप मोनाश यूनिवर्सिटी में रहेंगे। स्टूडेंट्स विल बी अलाउड विद द आईआईटी बॉम्बे, कनेक्टेड विद द आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट पॉपुलेशन एंड विल बी एलिजिबल फॉर द ऑन कैंपस स्टूडेंट एकोमोडेशन के लिए भी होंगे। इन एडिशन टू बींग सुपरवाइज ऑन देयर पीएचडी रिसर्च, स्टूडेंट विल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड विद प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये सब इन्होंने बता रखा है कि क्या यहाँ पर सब कुछ है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आउटलाइन क्या है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट यही है कि मिनिमम एंट्रेंस रिक्वायरमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन आर फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री इन रेंज ऑफ डिसिप्लिन, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री एंड अ वैलिड गेट स्कोर। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर हम आगे देखें, सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ अकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशियंसी ऑफ मोनाश यूनिवर्सिटी का क्या है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया पर मैंने अगर क्लिक किया तो यहाँ पर ये क्या क्या शो करते हैं, लेट अस सी। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। जस्ट अ मिनट,
तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, अ बैचलर डिग्री रिक्वायरिंग एटलीस्ट 4 ईयर ऑफ फुल टाइम स्टडी, उसके अलावा अ कोर्स लीडिंग टू लेवल रेलिवेंट रिलेटेड बाय द रेलिवेंट डिपार्टमेंट, अ मास्टर्स डिग्री दैट एंटेल्स वर्क नॉर्मली इंक्लूडिंग अ सिग्निफिकेंट रिसर्च कंपोनेंट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 25% ऑफ वन फुल टाइम इक्विवेलेंट ईयर ऑफ वर्क इंक्लूडिंग अ थीसिस होनी चाहिए. इट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड दैट अ ग्रेड ऑफ ऑनर्स 2A हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर द रिसर्च थीसिस और प्रोजेक्ट. तो ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पर, किस तरीके से आप कर सकते हैं अप्लाई. तो यहाँ पर इस तरीके से है ये पूरा, तो आप इसके बारे में पूरा अच्छे से देख सकते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है. इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, हर एक लिंक को आप देख सकते हैं कि क्या क्या इधर एडमिशन क्राइटेरिया मांगा गया है. तो यहाँ पर ये मोनाश यूनिवर्सिटी का है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या है और बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया क्या है. इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और चीज मेंशन कर रखी है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, साउंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स एट मोनाश यूनिवर्सिटी. आपको फुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर सपोर्ट में मस्ट बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन फॉर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप. आपको सबमिट करनी पड़ेगी कि हाँ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है. मोनाश यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू सीक फुल फर्दर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इफ एन एप्लीकेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश. अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, आई ओरिजिनेट फ्रॉम अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज नॉट द ऑफिशियल प्राइमरली लैंग्वेज, द ELP मस्ट बी सेटिस्फाइड इट एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. तो यहाँ पर वन ऑफ द फॉलोइंग वेज जो है वो आपको करना पड़ेगा अप्रूव करवाने के लिए. तो क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड मोर देन 5 ईयर्स प्रायर टू द सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन विल नॉट बी कंसिडर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द फैकल्टीज ऑफ आर्ट्स एंड लॉ वेयर स्टडीज मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन द 2 ईयर्स. मोनाश यूनिवर्सिटी अप्रूव इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज ये है जो मोनाश यूनिवर्सिटी ने मतलब जो कंसिडर करते हैं ये कंट्रीज को कि यहाँ पर ये सारी जो कंट्रीज है ये मानी जाती है. तो यहाँ पर अगर हम वो दो तरीके देख लें जिससे ये चेक कर सकते हैं, पहला है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट दैट आर टेकन मोर देन 2 ईयर्स प्रायर टू द कमेंसमेंट डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो आपको विद इन 2 ईयर्स इनमें से कोई यहाँ पे आपको करना पड़ेगा. आप रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है. उसके अलावा यहाँ पर आपका है कि इसके अलावा यहाँ पर मोनाश का भी एक है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एप्लीकेंट्स में कंप्लीट द MEB और द EDP इन चाइना में आप कंप्लीट कर सकते हो. यहाँ पर इसके बारे में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है. बट अगर आपका यहाँ पे इनमें से भी कोई एग्जाम सही है, आपका क्लियर है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी. तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अपना ELP देना पड़ेगा और इस तरीके से यहाँ पर है. तो आप कैंडिडेट विदाउट अ वैलिड गेट स्कोर ऑफ और रिसर्च फेलोशिप कैन बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इफ दे हैव अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. कॉम्पिटिशन फॉर प्लेसेज इन हाई एंड कॉम्पिटेटिव सिलेक्शन प्रोसेसेज इज अप्लाइड टू ऑल एप्लीकेंट्स. तो यहाँ पर यही बोला गया कि अगर आपके पास गेट स्कोर भी नहीं है लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर हम यहाँ पर आगे चले, इफ यू मूव फर्दर, ये हो गया एडमिशन का. अगर हम फीस और स्कॉलरशिप देख लें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्कॉलरशिप क्या रहेगी, और उसी के साथ साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो इतना अमाउंट यहाँ पर एनम के लिए होगा. अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर इन ऑस्ट्रेलिया वर्किंग विद योर मोनाश यूनिवर्सिटी को सुपरवाइजर के लिए आपको रहना पड़ेगा. ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है. तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी चीजें हैं गाइस, अच्छे से गाइस पढ़ सकते हैं. ज्यादा टाइम है नहीं, 4 सितंबर को लास्ट डेट है. तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए और अच्छे से आप अप्लाई कर दीजिए. इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय.